हमारे ऋषि मुनियों ने मन को मंदिर कहा है। जैसे मंदिर में भगवान की मूरत होती है, उसी तरह से मन में विचारों की मूरत होती है, और जैसा हमारा मन होता है, जैसे हमारे विचार होते हैं, ठीक उसकी छाया, उसकी प्रतिच्छाया हमारे चेहरे पर दिखाई देने लगती है। आप लोगों ने भी इसे तो महसूस किया ही होगा कि जब हम कुछ लोगों से मिलते हैं तो उनसे हम दोस्ती करना चाहते हैं, जबकि कुछ लोगों से जब हम मिलते हैं तो हमें अच्छे नहीं लगते और हम उनसे दूर हटना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं। तो सोचिए कि आखिर ऐसी कौन सी बात होती है जो हमें दोस्ती कराती है और उनसे अलग कराती है। जाहिर है कि वे जिस तरह का सोचते हैं, जिस तरह के विचार रखते हैं, चूँकि वो उनके चेहरे पर दिखाई देने लगता है और वैसा ही हम महसूस करने लगते हैं। हमारे योग शास्त्र के प्रणेता पतंजलि ने ये बात कही थी कि 30 साल तक व्यक्ति का चेहरा उसकी परिस्थितियों से बनता है और इसके बाद उसका चेहरा वैसा ही बनने लगता है जैसे कि उसके आचार विचार होते हैं। तो इसी तरह की एक बहुत अच्छी कहानी अब आप यहाँ पहले सुने। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को अपनी कैबिनेट के लिए एक समझदार और गंभीर व्यक्ति की तलाश थी। उनके एक सलाहकार एक व्यक्ति को खोज कर लाए। सलाहकार के अनुसार वो व्यक्ति अपने काम में निपुण था और हर तरह से योग्य था। वो उस व्यक्ति को तत्कालीन राष्ट्रपति से मिलवाने लाए। लेकिन ये क्या, अब्राहम लिंकन ने तो पहली ही नजर में उस व्यक्ति को ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि उन्हें इस व्यक्ति का चेहरा पसंद नहीं आया। सलाहकार को लिंकन से इस तरह के जवाब की कतई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा, सर, अपना चेहरा उसने स्वयं नहीं बनाया, वो अपने चेहरे के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है? तब राष्ट्रपति लिंकन ने जो जवाब दिया वो सुनने और ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा, 40 की उम्र पार करने के बाद व्यक्ति का चेहरा उसके व्यक्तित्व का दर्पण होता है। जैसा वो सोचता, जैसा विचार रखता है, चेहरे पर वैसे ही भाव होते हैं। चेहरा उसके व्यक्तित्व का पूरा आईना होता है। सलाहकार को भी अब्राहम लिंकन की बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो देखा आपने कि किस तरह से एक व्यक्ति केवल अपने चेहरे के कारण लिंकन साहब के कैबिनेट में जगह पाने से रह गया, क्योंकि लिंकन साहब चेहरे के पारखी थे और इस बारे में बहुत सिद्धस्त थे। तो हमें यह देखना है कि किस तरह से हम अपने विचारों के जरिए अपने चेहरे को हमेशा सजाए रखें, संवारे रखें, ताकि सामने वाला व्यक्ति हमसे प्रभावित होकर के हमें वो मौका दे सके जो हम चाहते हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति इंटरव्यू लेते हैं, जो भी हमसे मुलाकात करते हैं, वे इन चीज़ों के पारखी होते हैं, इन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और उसी तरह से हमें अवसर मिलते भी हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने विचारों को संवार कर उन्हें ऊंचा उठाकर अपने चेहरे को प्रभावशाली बना सकते हैं। जैसे आप हमेशा यह सोचें कि ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, और सच यही है कि उसने बहुत कुछ दिया भी है। इससे होगा यह कि आपका अंतर्मन स्थिर हो जाएगा, आप में फ्रस्ट्रेशन की भावना कम होगी, आपका चेहरा प्रसन्न रहने लगेगा। आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ, दूसरों की मदद मुझे मिल रही है तभी मैं कर पा रहा हूँ, तो मुझे भी चाहिए कि मैं दूसरों की मदद करूँ। इससे भी आपका मन प्रसन्न रहने लगेगा। और ये कभी न भूलें कि प्रसन्न मन ही सबसे अधिक प्रभावशाली मन होता है। ठीक इसी तरह से आप और भी बड़े बड़े विचार, जैसे अपने दिमाग को संकीर्णताओं से मुक्त रखें, छोटी सोच से मुक्त रखें, अपना कुछ समय प्रकृति के साथ गुजारें, अपने साथ गुजारें, एकांत में गुजारें। ऐसा करने से आपके आत्मा का, आपके मस्तिष्क का विस्तार होने लगेगा, उसमें जगह बनने लगेगी, और जब जगह बनने लगेगी तो उसमें अच्छे भाव आने शुरू हो जाएंगे। आप ऐसा करना शुरू कर दें, आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे विचार बदलने लगेंगे और उसी के साथ आपका चेहरा बदलने लगेगा, आप अपने अंदर परिवर्तन महसूस करने लगेंगे। और जब भी आप ऐसा अनुभव करें हमें जरूर लिखें। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।